अभी नहीं आया। आ नहीं रहा है सर। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी। हमारा जो स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा था, उसमें पहली सीरीज डेज एंड डेट का कंप्लीट हो चुकी है। उसमें सारे रिलेवेंट डेज एंड डेट्स, फिर उनका प्रैक्टिस, उनका पूरा हमने एक क्रक्स कह लीजिए, समरी कह लीजिए, या मतलब कि एक उसको अपने ग्रिप में करने का एक वीडियो भी लास्ट बन गया कल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक छोटा टॉपिक लेते हैं, वो बड़ा था, अब छोटा फिर बड़ा लेंगे, ऐसे चलेंगे हम लोग। छोटा टॉपिक में लेते हैं जिससे क्वेश्चन आता ही है। और ये टॉपिक जो है, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस, बट ऑल्सो फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ और आईएएस, और आपका पीसीएस तक में क्वेश्चन आता है इससे। ये है नेशनल सिंबल्स, जिसको नेशनल इंसिग्निया भी कहते हैं, नेशनल सिंबल। इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली बात की नेशनल सिंबल में हम जो है इंडिया के बारे में, नेशनल सिंबल्स, इंडिया के नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे, और कल के वीडियो में हम वर्ल्ड के जो नेशनल सिंबल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, जैसे आप सब ज़्यादातर क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमियों ये बताओ कंगारू किस टीम को बोलते हैं, कंगारू टीम, तो सब बता दो, कमेंट कर दो जो है ऑनलाइन। कंगारू टीम किस देश की क्रिकेट टीम को बोलते हैं, कंगारू, बताओ जल्दी से। कंगारू टीम किस देश के क्रिकेट टीम के बोलते हैं, यस, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टीम को कंगारू बोलते हैं, क्यों, कंगारू क्या है, कंगारू नेशनल सिंबल है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, इसी प्रकार कीवी हुआ, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड का है, ये कल देखेंगे, आज नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया देखना है। तो नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं किसी देश की नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री, किसी देश की जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको नेशनल सिंबल के रूप में संबोधित किया जाता है। जैसे किसी देश में कोई फूल है, वो वहाँ का राष्ट्रीय सिंबल है, ठीक। किसी देश में कोई पशु है, कोई एनिमल है, वो वहाँ का राष्ट्रीय सिंबल है। किसी देश में जैसे गुलाब, ब्रिटेन का गुलाब हो गया। जय हिंद आशीष, जय हिंद गौरव। नेशनल आइडेंटिटी, किसी देश की नेशनल आइडेंटिटी को नेशनल सिंबल या नेशनल इंसिग्निया भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडिया, इंडिया क्या है, हमारी मातृभूमि, हमारा देश, जो पूरी दुनिया में एरिया, आकार, क्षेत्रफल के आधार पर किस क्रम में आता है, सेवेंथ आता है, सातवें क्रम में आता है। लगे हाथ एक चीज़ और बताइए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, रशिया है। और जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन, जनसंख्या के मामले में भारत किस क्रम में आता है, तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में चीन के बाद भारत सेकंड आता है। सेकंड, युवा जनसंख्या के मामले में भारत किस नंबर पे आता है, तो फर्स्ट आता है, नंबर वन। जो यूथ पॉपुलेशन है वो चाइना की कम है, इंडिया की ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, जनांकिकीय लाभांश की बात होती है। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ आपको जो वहाँ से क्रेडिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपनी पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है, इसको यूज कर लें, इसको बेनिफिट इसका ले लें, इसको जो है इन्वेस्ट करें, इससे हम अपना डेवलपमेंट बढ़ा लें, तब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में भारत के साख को इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है, भारत में सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि यही पॉपुलेशन जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसी के आधार पर, ठीक। लेकिन टोटल पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड है और क्षेत्रफल में इंडिया सेवेंथ है। इंडिया के बारे में बात करोगे तो इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, आधिकारिक नाम क्या है इंडिया का, ऑफिशियल नेम मतलब आप
विदेश जाएंगे तो आपको एक पासपोर्ट मिलेगा, उस पासपोर्ट में क्या लिखा रहेगा देश का नाम, उस पासपोर्ट में देश का नाम लिखा रहता है, केवल इंडिया नहीं रहता, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है आशीष, वेरी गुड, गुड पूजा, जयंत पूजा, ठीक। तो ऑफिशियल नेम भारत का है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा। डेमो ऑप्शन बना सकता है कि भारत का आधिकारिक नाम इंडिया है, भारत है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, रिपब्लिक इंडिया है, तो कौन सा है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम है। अब भारत का जो सिंबल है इन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग है ये क्या है, भारत का नेशनल फ्लैग है आपका तिरंगा, जिसको इंग्लिश में ट्राइकलर कहते हैं। तिरंगा, ठीक है, भारत का नेशनल फ्लैग है ट्राइकलर तिरंगा। इसमें तीन रंग होते हैं, कौन कौन से, सैफ्रन, बीच में वाइट और लास्ट में ग्रीन, केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि और बीच में यहाँ पे वाइट में आपका एक स्पोक होता है, व्हील होता है, चक्र, इस चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, 24 तिली, ठीक, 24 तिली होती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है कि केसरिया रंग क्या डिनोट करता है, केसरिया रंग क्या डिनोट करता है। तो इसमें केसरिया रंग आपकी मजबूती और बहादुरी का प्रतीक है, आपका पावर, करेज, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, आपके साहस का प्रतीक है, ठीक। सफेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और हरा रंग किसका प्रतीक है, उन्नति, खुशहाली का प्रतीक है, उन्नति व खुशहाली, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का प्रतीक है हरा रंग, ठीक है। आपकी उर्वरता, हरा जैसे खेत है, खेत में हरे हरे फसल रहती हैं, क्रॉप्स होती हैं हरे रंग की, तो क्या है, फर्टिलिटी है, उर्वरता है, आपका विकास है, प्रोग्रेस है, ठीक, ग्रोथ है, ऑस्पिशियसनेस है, ये हरे रंग द्वारा बताया जाता है। और शांति और सच्चाई, ट्रुथ, पीस, ये किससे होती है, ये सफ़ेद रंग बताता है, ठीक। साहस, करेज, ये आपका केसरिया रंग बताता है। तो ये क्वेश्चन बनता रहता है कि केसरिया रंग क्या बताता है, सफ़ेद रंग क्या बनाता है, बताता है, हरा रंग क्या डिनोट करता है, क्या बताता है। और दूसरी बात कि जो भारत में जो चक्र है, चक्र का रंग क्या है, ब्लू है, नीला है, चक्र का रंग नीला है, और इसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। ये 24 तीली क्या बताती है, कि आपको 24 घंटे लगातार मेहनत करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। कहाँ से लिया गया है ये तीली, ये तीली स्पोक ये सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ये भी मान लो क्वेश्चन आ गया, अभी तक नहीं आया है, अब आएगा, कोई गारंटी नहीं है, एयरफोर्स में भी आएगा, नेवी में भी आएगा, एमएनएस में भी आएगा, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी में भी आता है, क्वेश्चन तो यूपीएससी में आए हैं ना, एनडीए में आए हैं, एयरफोर्स नेवी में तो आते रहते हैं, ठीक है। सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के सिंह स्तंभ, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, किसके द्वारा बना है, अशोक का द्वारा बना है, ठीक। इंडिया के पासपोर्ट के कितना देर की, जापान का वीजा पर हम 90 डेज जा सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये जो है
चेंज होता रहता है कि कभी किसी देश में, जैसे इस समय भारत वालों को कई देशों ने रोक लगाई हुई है, जैसे ब्रिटेन वगैरह में, इसमें इंडियन ज़्यादा नहीं जा सकते। बहुत रेयर होगा, कोई बहुत VIP होगा वही जा सकता है, उसको वहाँ तमाम क्वारंटाइन वगैरह ये सब फैसिलिटी ऐड हो गई है, लेकिन देशों ने इसमें रोक लगाई हुई है तो इसमें कम देश में जा सकते हैं। फिर जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको छोड़कर हम लगभग सभी देशों में जा सकते हैं, तो टोटल 193 देश हैं, तो जिसमें नियर अबाउट एग्जैक्टली नहीं मालूम, मैं चेक करके कल बता दूंगा, करीब 180 प्लस देशों में तो भारत लोग जा ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो तिरंगा है इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है आपकी 2:3। क्या चौड़ाई है? 2:3, मतलब यहाँ पे अगर आपका 2 है तो यहाँ 3 है, इस तरह आपका तिरंगा होता है। ये अगर 2 है तो ये आपका 3 है, ठीक 2:3 के रेशियो में तिरंगा रहता है। अब ये तिरंगा हमने कब एक्सेप्ट किया? पहले हमने जो तिरंगा एक्सेप्ट किया, पहला भारत का झंडा जर्मनी में मैडम बीका जी कामा जो थी, ठीक, उन्होंने फहराया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके कांग्रेस ने भी तिरंगे को बनाया, तो उसमें 3 रंग तो था लेकिन बीच में चक्र नहीं था, बीच में चरखा हुआ करता था। उसके बाद में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने किसके द्वारा निर्मित झंडा? पिंगाली वेंकैया द्वारा निर्मित झंडे को स्वीकार कर लिया। अब पिंगाली वेंकैया द्वारा निर्मित झंडे को स्वीकार करने पर यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया, राष्ट्रीय ध्वज बन गया, ठीक। पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइंड फ्लैग को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। जिस तो बाई कब से स्वीकार हुआ झंडा? 22 जुलाई 1947 से। और किसके द्वारा डिजाइंड है? पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइंड है, ठीक है। कि क्या इसका रेशियो है? 2:3 का रेशियो होता है। कौन सा कलर क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है, ठीक। चक्र का रंग क्या है? चक्र कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है। ये आपके क्वेश्चन का दायरा है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और पक्का बनेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये सब रहा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक होता है, 2002 में बनाया गया था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जो इसको गवर्न करता है कि कब इसको आधा झुकाना है, कब पूरा झुकाना है, ये गंदा नहीं होना चाहिए, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसकी रक्षा करना है, इसको हमेशा सम्मान देना है, ये सब कहाँ बताया गया है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो लेटेस्ट है 2002 का, ठीक, इसके द्वारा ये गवर्न होता है भारत का फ्लैग, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका नेशनल फ्लैग के बारे में। अब सेकेंड लेते हैं नेशनल एम्बलम, भारत का राष्ट्र चिन्ह, जो नोट करना होगा तो थोड़ा सा पीछे बैक जाके वीडियो में, जब ये डाउनलोड अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, अभी तो लाइव है, 1-2 घंटे में हो जाता है, उसके बाद बैक जाके नोट कर लेना। नेशनल सिंबल में आपका एम्बलम, तो भारत का राष्ट्र चिन्ह नेशनल एम्बलम किसको बोलते हैं? भारत का राष्ट्र चिन्ह नेशनल एम्बलम जो आप देखे होंगे कि 3 शेर दिखते हैं आपको, 3 सिंह दिखते हैं, वो भारत का राष्ट्र चिन्ह है। कहाँ से लिया गया है? लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, अशोका द्वारा जो निर्मित था उसी का ऊपर वाला जो पार्ट था उसी को हम अपना राष्ट्र चिन्ह नेशनल एम्बलम बना लिए हैं, ठीक है। सारनाथ के लायन कैपिटल से लिया गया है, जिसमें 4 शेर हैं बैक टू बैक एक दूसरे से पीठ सटाए हुए, लेकिन हमारे में 3 ही हैं, हमारे राष्ट्र चिन्ह में 3 ही आपको सिंह दिखते हैं, ठीक।
कहाँ से लिया गया है? लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया है। किसके द्वारा बना था? अशोका द्वारा बना था। ठीक, ओरिजिनली इसमें चार सिंह हैं, लेकिन हमारे एम्बलम में तीन सिंह हैं, क्योंकि पीछे वाला ये 3D है, ये 2D है, ऐसे ही समझ लो। तो चौथा नहीं दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिखता, तो हमको तीन ही दिखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारे उसमें चिन्ह में तीन सिंह दिखते हैं। ठीक है, और हाथी घोड़ा और सांड, हाथी घोड़ा और सांड भी इसमें हैं। हाथी एलिफेंट, घोड़ा एंड बुल, ये जानवर भी दिखते हैं। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि हमारे नेशनल एम्बलम में विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पिक्चर इज नॉट देयर, उसमें एक मान लो हिरन दे दिया। ठीक, तो हिरन नहीं है यहाँ पे। हिरन कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में जो पशुपति सील मिली है, पशुपति सील में हिरन भी है। ठीक, यहाँ पर नहीं है, वहाँ पे गैंडा भी है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हाथी घोड़ा और आपका सांड बुल है, ये हैं, और शेर हैं, चौथा शेर हो गया। तो इतने जानवर आपको दिखेंगे इसमें, आपके नेशनल एम्बलम में दिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस में बना है ये किस में बना है? तो ये बना है आपका सैंड स्टोन में, सिंगल कार्व्ड सैंड स्टोन। यह बालुका पत्थर, बालुका पत्थर क्या होता है? बालुका पत्थर एक औषधि चट्टान होता है, बालुका पत्थर एक औषधि चट्टान होता है, उसमें ये निर्मित है। ठीक, बालुका पत्थर में निर्मित है ये। अगला इम्पोर्टेंट इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि यह भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का संविधान कब लागू हुआ पूरी तरीके से? आप कमेंट करके बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया पूरी तरीके से, कब लागू हुआ, कब बना अलग पॉइंट है, और कब लागू हुआ अलग पॉइंट है। आशीष, जयसिंह, पूजा, बताओ, लेफ्टिनेंट अमरजीत, गुड। 1950 में कहाँ थे अब तक तुम? 1950 में लागू हुआ, लेकिन कितने तारीख को, तारीख बताइए। वेरी गुड, नवंबर में बना, एकदम क्लियर, शाबाश। अब तारीख बताओ, 1950 में किस डेट को लागू हुआ था? हर नागरिक को जानना चाहिए, डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो, सिविल के एग्जाम दे रहे हो, कोई मैटर नहीं, हर नागरिक को ये चीज़ जानना चाहिए कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, जिससे पूरा देश गवर्न होता है, लागू हुआ है, इनैक्ट हुआ। ठीक, इम्प्लीमेंट हो गया पूरी तरीके से। और इनैक्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था। ठीक, बन गया था, बट इनैक्ट हो गया था, बट पूरी तरीके से लागू कब होगा आपका? 26 जनवरी 1950 को। इसी में बताए थे आपको, उस पुराने वीडियो देखिएगा तो उसमें ये चर्चा हुई थी कि लाहौर में जो 1929 का कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने और कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन अफसोस नहीं हम आज़ाद हो पाए, तुरंत तो नहीं मना पाए थे, लेकिन उस 26 जनवरी को मेमोरेट करने के लिए, हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए आप यहाँ से दो महीना वेट किया गया। और 26 जनवरी जब आई तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह लागू किया गया। इस दिन आपका बनेगा भारत क्या हो गया? इसी दिन भारत आपका हो गया रिपब्लिक, और इसीलिए इस दिन मनाया जाता है रिपब्लिक डे। इसीलिए इस दिन मनाया जाता है रिपब्लिक डे। ठीक है,
यस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। गुड अमरजीत, 26 को, लेकिन जनवरी भी लिख दो ना, 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है, इतने तारीख को मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कहानी थी आप जान गए। अब इसी दिन आपका क्या लागू होगा, संविधान भी लागू हुआ, इसी दिन आपका एम्बलम भी लागू होगा। जब भारत रिपब्लिक हो गया, भारत का राष्ट्रपति अब बैठेगा, तो राष्ट्रपति के पीछे भारत का एम्बलम भी तो होना चाहिए, तीन शेर, तो वो सिंह स्तंभ वाले तीन शेर का जो एम्बलम है वो भी इसी दिन लागू होगा। तो नेशनल एम्बलम कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, नहीं डाउट हो तो ओके लिखिए। क्लियर है ना बच्चों? छब्बीस जनवरी 1950 को ये एडॉप्ट किया गया, लागू हो गया। इसमें तीन ही शेर दिखते हैं और सेंटर में चक्र है, सांड जो है दाहिनी तरफ, घोड़ा लेफ्ट तरफ, ये राइट में है और ये लेफ्ट में, और बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में आपका चक्र है। कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए इसको यहां बना देता हूं, चक्र को इधर बना देते हैं और हॉर्स को इधर लिख देते हैं, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक, क्लियर है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो लायन जो कैपिटल था उसमें से जो हमारा एम्बलम लिया गया, तो क्या चीज़ हटाया गया, तो लोटस, एक लायन कैपिटल में यहाँ पे एक लोटस, कमल का फूल भी है, ये हटा दिया गया। लायन कैपिटल के कमल के फूल को एम्बलम में नहीं शामिल किया गया, कमल के फूल को हटा दिया गया। ठीक, इसको दिमाग में जान लो, क्यों हटा दिया गया, क्योंकि कमल के फूल को हटा के हम क्या बना देंगे, नेशनल फ्लावर बना देंगे, नेशनल फ्लावर, इसलिए कमल के फूल को चिन्ह से हटा के राष्ट्रीय पुष्प बना दिया गया। इस तरह याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा तो टिक कर ले जाओगे, कि जब उसको राष्ट्रीय फूल बनाना है तो उसको निकाल के देना है किसी को, तो आपके चिन्ह में से निकाल के आपने दे दिया, तो चिन्ह में कमल नहीं रह गया, चिन्ह में कमल नहीं रह गया, लोटस ओमिट हो गया है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसका, इसमें नीचे एक वाक्य लिख दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपका शेर बन गया, एक शेर इधर बैठा है, एक शेर इधर बैठा है। ठीक, अब नीचे एक वाक्य लिखा जाता है, सत्यमेव जयते, जानते हो ना, सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा जीतता है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, इसको याद रखना, हमेशा सच्चाई की राह पर रहना, सत्य पर रहना, सत्य ही हमेशा जीतता है। अब क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ से लिया गया, यहाँ पर एक गड्ढा है दोस्त, एक ट्रेंच है, एग्जामिनर्स जो यूज करते रहते हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन आपको नहीं गिरना है, कारण मैं बता रहा हूँ। ठीक, दो मिलते जुलते उपनिषद हैं, एक है मुंडोक उपनिषद और एक है मांडूक उपनिषद। क्या क्या, मांडूक, मांडूक मतलब होता है मेढक उपनिषद या मांडूकोपनिषद, संधि कर देंगे तो उपनिषद, और दूसरा है मुंडोक, ठीक, मांडू संधि कर दिए, मांडूकोपनिषद, और दूसरा है मुंडोपनिषद। ठीक, बाकी और कुछ दे दे, ऋग्वेद सामवेद तो नहीं कोई दिक्कत है, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, मुंडूक मांडूक। ठीक, बहुत गलती होती है, बहुत लोग गलती करते हैं, जो गलती किए हों वो जानते हैं, है ना पूजा, गलत हुआ था तुम्हारा भी, जय हिंद सौरभ, जय हिंद, हाँ लेफ्टिनेंट अमरजीत, मुंडूकोपनिषद, गुड, आपका तैयार है, लेकिन और लोग गलत करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरे हर बच्चे का सही हो।
तो हर बच्चे का सही कैसे होगा, उसके लिए हम इसको कुछ खेल करते हैं। क्या खेल करते हैं? एक मांडूक और मुंडोक को एग्ज़ाम में कैसे याद रखोगे? मुंडा, इससे याद रखना मुंडा। कब मुंडा होते हो? मुंडा कब होना पड़ता है, मतलब बाल कब छिलाना पड़ता है? जब सत्य होता है। सत्य मतलब जैसे जब डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो सत्यमेव जयते, राम नाम सत्य से याद रखिएगा मुंडा। ठीक, मुंडोपनिषद जो है जिसमें मुंडो है, मुंड है, मुंडा होना है, वो उसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है, मांडूक से नहीं लिया गया है। मांडूक की अलग विशेषता है, ये हिस्ट्री वाली क्लास में आप देखेंगे। ठीक, मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है ना। तो ये रहा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अगला है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान, एक है आपके महान रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, भारत का फर्स्ट नोबेल लॉरिएट ऑफ इंडिया, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, कमेंट करिए जल्दी, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। अमरजीत, सौरभ, आशीष, गौरव, बताइए भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। यस, रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की भी उपाधि मिली है? ना ना, सीवी रमन पहले वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पाए हैं भारत में, फर्स्ट साइंटिस्ट सीवी रमन है। सीवी रमन साहब पहले वैज्ञानिक थे, लेकिन यहाँ पे टोटल देख लिया गया, पहली महिला बोलेंगे तो मदर टेरेसा हो जाएंगी, पहले वैज्ञानिक बोलेंगे तो सीवी रमन साहब हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट पहला बोलेंगे तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के हैं, जिनको गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिला गया था। और जब यही नोबेल के गीतांजलि छपवाने गए थे तो वहाँ इनकी मुलाकात आइंस्टीन से भी हुई थी। ठीक, अब भारत का दो चीज़ है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। कंपेयर करके चलते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। पहला, नेशनल एंथम, एंथम जो हमेशा खड़े होकर गाते हो, क्या है जनगणमन, वो कैसा है, थोड़ा बंगाली टाइप का लग रहा है ना, और किसके द्वारा रचित है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित है। ओरिजिनली बंगाली में रचित था, क्यों रचित था, जो जेम्स ब्रिटेन के राजकुमार आए थे भारत में, उनके सम्मान में ये गाया गया था। और इसमें आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी भी कवर हो जाता है, जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो फिर यहाँ बताएंगे। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नेशनल एंथम, राष्ट्र गान आपका है। ठीक, अब यह हिंदी वर्जन इसका कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 24 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके हिंदी वर्जन को, हिंदी वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो राष्ट्रगान कब बनाइए, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को दो दिन पहले। अब 26 जनवरी को हमको अपना
समारोह करना था, रिपब्लिक होना था, तो उसके पहले व्यवस्था होने लगी। 24 जनवरी को कौन सी डेट होती है दोस्त? 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा रिपब्लिक डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में लिखा गया था। पहली बार कांग्रेस सेशन में कब गाया गया था? कलकत्ता कांग्रेस सेशन जो 1911 में हुआ था उसमें गाया गया था, 1911 के कोलकाता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में फर्स्ट संग पहली बार गाया गया था। ठीक, पहली बार कब गाया गया? इनकी बेटी द्वारा गाया गया था 1911 के कलकत्ता सेशन में, पहली बार यह गाया गया था राष्ट्र गान। ठीक, दिल्ली दरबार के टाइम में प्रिंस आने वाले थे 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, कितना कनेक्टेड है, लिंक करके पढ़ोगे कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 1911 में पहली बार गाया गया, क्यों? क्योंकि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी। ठीक, तो क्या हुआ, दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में तीसरा लगा। दिल्ली दरबार में कौन चीफ गेस्ट था? प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन से आए थे, उन्हीं के सम्मान में ही गाया गया था। ठीक, अब इसके बाद इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो इसका पहला स्टैंजा है, पूरी जो इनका कविता थी उसका नाम था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता का पहला जो पैराग्राफ है उसी को हमने राष्ट्रगान बनाया है, फर्स्ट पैरा ऑफ, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ भारत भाग्य विधाता। किसको बोला गया भारत भाग्य विधाता? प्रिंस ऑफ वेल्स, अंग्रेजों को बोला गया विधाता। भारत भाग्य विधाता का पहला स्टैंजा को ले लिया गया है, हम राष्ट्रगान के रूप में ले लिए हैं। ठीक है, और इसको गाने का टाइम लगता है 52 सेकंड, 52 सेकंड लगता है इसको गाने में टाइम। टाइम कितना लगता है? 52 सेकंड। और अगर केवल शॉर्ट में गाओगे, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन गाओगे, तब लगेगा 20 सेकंड, तब मात्र 20 सेकंड लगता है। और क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आता है वो है टाइम कितना लगता है, 52 सेकंड। ठीक, कहाँ से लिया गया है? भारत भाग्य विधाता से लिया गया है। ठीक, कब पहली बार गाया गया? 1911 के सेशन में गाया गया था। कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया? बंगाली में लिखा गया था। पूरी पोएम का क्या नाम था? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तो ये इसके सारे पॉइंट्स हैं, जो आएगा इसी में से आएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग अब ये किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अब ये किसके द्वारा लिखा गया? ये बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसी किसी बुक में चट्टोपाध्याय भी रहता है। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी, इनके द्वारा लिखा गया था। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी आनंद मठ, क्या नाम था? आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखी गई पुस्तक आनंद मठ। आनंद मठ जो इनका नॉवेल था, उपन्यास था, वो लिखा गया 1882 में। 1882 में जो आनंद मठ लिखा गया उसमें एक पोयम थी, उस पोयम को लिया गया, गीत बना दिया गया। इसकी एक गीत जो है में एक गीत था, उस गीत को भारत का राष्ट्रगीत बना दिया गया। ठीक, राष्ट्रगीत बना दिया गया जो क्या है आपका, ये तो जनगणमन। और राष्ट्रगीत क्या है आपका? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, जो कहाँ लिखा गया? आनंद मठ में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक, और भारत का राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। इसका स्टेटस, इसका दर्जा राष्ट्रगान के ही बराबर है। ठीक, राष्ट्रगान के ही बराबर होता है।
अब ये पहली बार कब गाया गया? पहली बार गाया गया था 1896 के कांग्रेस सेशन में रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। फर्स्ट संघ 1896 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कोलकाता बाई रवींद्रनाथ टैगोर। ये ध्यान देने वाली बात है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ठीक है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया था। कब? कांग्रेस सेशन कलकत्ता में कब? 1896 में। इसका जो पहला स्टैंजा है, टोटल सिक्स में से पहला स्टैंजा, पहला पैराग्राफ जिसमें भी 52 सेकंड लगता है लगभग, उसी को हमने चुन लिया है अपना राष्ट्रगीत। फर्स्ट स्टैंजा को राष्ट्रगीत चुना है, 52 सेकंड लगता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो अक्सर क्वेश्चन बनता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा किस में गया? संस्कृत में। ये संस्कृत में लिखा गया, ठीक, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? ये इम्पोर्टेंट लीडर थे, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष जी ने, अरविंदो घोष ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया वंदे मातरम का। याद रखिएगा, NDA CDS कोई भी एग्जाम देना है, इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमारा जो राष्ट्रगीत है, 52 सेकंड पहले स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन राष्ट्रगीत जो एडॉप्ट हुआ है, राष्ट्रगीत उसमें पहले और दूसरे स्टैंजा को लिया गया था, 1+2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत बना दिया गया, ठीक। तो ये रहे आपके कंप्लीट पॉइंट्स इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, भारत के राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगीत, इनके ऊपर ये सब हैं इम्पोर्टेंट जो आते रहते हैं। इसके बाद अब आपके डायरेक्ट में सीधे सीधे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का नेशनल बर्ड कौन है? तो भारत का नेशनल बर्ड है आपका, कमेंट करके बताइए, आप भी बताइए, बचपन से ही याद कराया जाता है, सबको याद रहता है, लेफ्टिनेंट अमरजीत जल्दी बताओ, नेशनल बर्ड, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यस, पीकॉक, मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था, और इसको साइंटिफिक नेम इसका है पावो क्रिस्टेटस। नेशनल बर्ड पीकॉक, साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, ठीक, पीकॉक नेशनल बर्ड हो गया। नेशनल एनिमल क्या है हमारा? नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर से टाइग्रिस याद रखिएगा, ठीक, टाइगर से टाइग्रिस, और पिकॉक को पावो की स्टेटस। पिकॉक के बारे में कहानी आप जानते होंगे, पिकॉक मोर को घमंड होता है कि हम बहुत सुंदर हैं, जब नाश्ता वास्ता है वो अच्छे से उसके पंख फैल जाते हैं, लेकिन जब वो अपने पाँव को देखता है, पैरों को देखता है, पाँव को, तब वो सिकुड़ लेता है, तब उसको लगता है कि हम इतने भी सुंदर नहीं है, ठीक, इसीलिए जमीन पे देखना चाहिए, घमंड नहीं होगा, पाँव की स्टेटस, पिकॉक अपने पाँव को देखता है तब उसका घमंड खत्म हो जाता है कि हम बहुत सुंदर हैं। पिकॉक पाओ के स्टेटस, रॉयल बंगाल टाइगर, तो टाइगर से टाइग्रिस, मालूम क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक, तो पिकॉक से पाओ को याद रखना, पाओ वाला टिक कर देना, और टाइगर का आएगा तो टाइग्रिस टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, पिकॉक कब बना? 1963 में, और टाइगर कब बना? 1973 में।
1963 में इसको डेजिग्नेट किया गया, इसको 1973 में डेजिग्नेट किया गया एज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसके पहले कौन हुआ करता था? इसके पहले लायन हुआ करता था, लेकिन टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी, मरने लगे, इसीलिए टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया गया। और टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया गया तो अब हम टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा राष्ट्रीय जीव है वो, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्ट करेंगे तो टाइगर अब बढ़ेंगे। ठीक, टाइगर बढ़ेंगे, और वर्तमान में किस देश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं? भारत में है, भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। ठीक, अब ये स्थिति चेंज हो गई, बदल गई। अगला है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन। नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, हाथी हमारा हेरिटेज एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल और नेशनल हेरिटेज एनिमल गंगा डॉल्फिन। गंगा पानी, जल, नदी, तो नदी में एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन एक्वेटिक एनिमल होता है, और हेरिटेज एनिमल जो प्राचीन काल से आपका हेरिटेज दे रहा है, हाथी, हाथी एलिफेंट, एलिफेंट आपका नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इसके बाद नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा हो गया, नेशनल ट्री बनियान ट्री, नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल आम होता है मैग्निफेरा इंडिका, राष्ट्रीय वृक्ष बनियान बरगद का पेड़ होता है बनियान ट्री, और नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर कौन है? राष्ट्रीय पुष्प कौन है? जो आपके एम्बलम से निकाल लिया गया था। ठीक, लोटस, नेशनल फ्लावर लोटस। कमल, लोटस, नीलाम्बो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। लोटस, कमल आपका क्या है? कमल राष्ट्रीय पुष्प। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? 2008 में राष्ट्रीय नदी किसको बना दिया गया? नेशनल रिवर गंगा को। कब? 2008 से बनाया गया गंगा को। तो ये रहे आपके भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, नेशनल इंसिग्निया। तो इतना आप तैयार रखिए, कल हम देखेंगे वर्ल्ड के दूसरे देशों के नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, अब रीजनिंग क्लास होने वाली है। इसके बाद मिलते हैं कल फिर। जय हिंद।